यूपी की बात हो रही है तो यूपी से एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है बुजुर्ग महिलाओं के लिए और खबर इस वक्त ही बड़ी है। उत्तर प्रदेश से गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में आपको दे देते हैं। कहा गया है कि मुफ्त सफर वो कर पाएंगी जो 60 साल से ऊपर की होंगी। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, छूट दे दी गई है और 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सफर को मुफ्त कर दिया गया है। योजना के ऊपर आएगा 264 करोड़ रुपए का सालाना खर्च। तो सीधे तौर पर बड़ा तोहफा दिया गया है बुजुर्ग महिलाओं को। परिवहन निगम ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भी भेजा है बड़ी जानकारी। यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सफर मुफ्त कर दिया गया है। योजना के ऊपर आएगा 264 करोड़ रुपए का खर्चा और परिवहन निगम ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भी भेज दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सफर जो है वो मुफ्त किया गया। योजना के ऊपर 264 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा, जिसको लेकर जो तैयारी है वो भी कर ली गई है, क्योंकि जिस तरह से परिवहन निगम ने इसको लेकर प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया। यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बुजुर्ग महिलाएं, जो 60 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं वो रोडवेज बस में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। ये बड़ा तोहफा, बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बुजुर्ग महिला को लेकर, बुजुर्ग महिलाओं को लेकर ये फैसला लिया है और इसको लेकर जो प्रशासन है उसने शासन को प्रस्ताव भी जो है सौंप दिया है। तो तैयारी कर ली गई है और अब उत्तर प्रदेश में 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो रोडवेज बस में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। बिल्कुल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि खाका पहले से ही तैयार किया गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन उसे लागू किया जाना था सो कर दिया गया। हालांकि कितना खर्च आएगा 264 करोड़ रुपए का वो भी आपको बता रहे हैं, सालाना खर्च होगा। लेकिन योगी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी और रोडवेज की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा वो कर पाएंगी। फिलहाल इस वक्त जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि योगी सरकार एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए काम भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर दिया गया है। हालांकि मुफ्त यात्रा सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं के लिए है जो 60 साल से ऊपर की हैं। गौरव